एग्जाम्पल नंबर 15 को देखते हैं, ये थोड़ा हट करके है और इसको पूछा भी गया है एनसीईआरटी के अंदर भी और सीबीएसई ने भी इसको पूछा, तो यहाँ पर लिखते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को टफ लगेगा, अगर लगेगा तो मुझे बता देना। तबीयत ख़राब तो हो रही है, ठंड भी है भाई, सर में दर्द भी है, ज़ुकाम भी है और एग्ज़ाम टाइम भी है, तो मेहनत तो बनती है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, हेयर हमसे कह रखा है 1.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 1.5 माइक्रो को आप ख़त्म करोगे 10^-6 लगा करके, ये फेरेड हो जाएगी। फेरेड को सही करके दिखाओ, एफ अच्छे से बनाओ, फेरेड, ठीक है भाई। ये दे रखा था आपको, इस कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, तो सोर्स है तो आपको बताया सोर्स के लिए जो वोल्टेज होती है ये आरएमएस वोल्टेज होती है, तो इसका मतलब आपको ईआरएमएस ये गिवन है 220 वोल्ट, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी आपके पास आ जाएगी। हमसे कह रहा फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, करंट की पीक वैल्यू भी बतानी है और आरएमएस वैल्यू भी बतानी है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटर यूज़ किया है तो 100% कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछेगा क्योंकि इसी के ऊपर टॉपिक है, तो आपसे एक्सी पूछ रहा है, तो हम एक्सी निकालेंगे। एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ωc, और आपको पता है ओमेगा को आप ओपन करके 2πf(c) दिखा देंगे, तो आपके पास जो एक्सी की वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, 2s रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको पता है सोर्स की कितनी देर की 50, और सी ये भी आपको पता है 1.5 × 10^-6। थोड़ा सा सॉल्व कर लो हिम्मत करके और एक्सी की वैल्यू को निकाल लो। यहाँ पर जो एक्सी की वैल्यू निकल कर आएगी वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि टाइम को बचाना है, तो यहाँ पर जो एक्सी है वो 212 निकल कर आ जाएगा, 212 ओम। कैलकुलेशन आप थोड़ी सी कर लेना, ये मेरे कहने से कर लो प्लीज़ कैलकुलेशन, अगर किसी को कैलकुलेशन ना हो या फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो उस पार्ट का स्क्रीनशॉट लें और टेलीग्राम लिंक दे रखा उसे फॉलो कर करके वहाँ जाकर दिखाएं, वहाँ मैं आपको A to Z कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग पहले खुद करें। तो आपने एक्सी निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया, उसके बाद आपसे पूछा करंट की आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू। अब देखो यहाँ पर आपको आरएमएस वोल्टेज दे रखा, रेजिस्टेंस आपको पता है तो आप आरएमएस करंट बता देंगे, तो आप आईआरएमएस बताएंगे, तो आईआरएमएस के लिए आपको ईआरएमएस चाहिएगा और साथ में उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज जो होती है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर एक्सी चलेगा। ई आरएमएस आपके पास है क्या, बिल्कुल है, 220 वोल्ट। क्या आपके पास एक्सी की वैल्यू है क्या, यस आपके पास एक्सी की वैल्यू भी है। एक्सी की वैल्यू कितनी है, 212। देखो 212 से जो 220 है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वैल्यू जो आएगी वो एक से ज़्यादा आएगी, तो वैल्यू जो आ रही है वो 1.04 एम्पियर निकल करके आ रही है। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लें, ये इतना IQ लग जाएगा आंसर लगाने के लिए। तो आपके पास करंट की RMS वैल्यू आ गई, आपसे एक्सी पूछा था ये आ गया, आपको करंट की पीक वैल्यू और बतानी है। तो I0 जो होता है आपको पता है, I0 जो होता है वो √2 होता है IRMS का, तो IRMS आपके पास √2 मतलब है 1.414 से 4414 से मल्टीप्लाई करनी है RMS करंट की, मतलब 1.04 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 से थोड़ा सा आंसर ज़्यादा आएगा, 1.4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आपसे I0 की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी निकल कर आ रही है, IRMS आपने निकाल लिया 1.04 आ चुका है, तो आप पीक करंट जो आएगा वो 1.47 निकल करके आएगा, तो 1.47 ये पीक करंट आ चुका है I0। अब देखो पीक करंट का मतलब क्या होता है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो करंट की जब मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप पीक करंट कहते हो, और आपको पता है चूंकि ये साइन की फॉर्म में चलती है, साइन का ग्राफ आता है, तो इसका मतलब ये हुआ जो करंट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू 1.47 का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो करंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये माइनस का 1.47 होगी और करंट जो है वो ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है करंट ज़ीरो से 1.47 मैक्सिमम जाएगी, फिर ज़ीरो होगी, फिर निगेटिव में 1.47 जाएगी, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकलेगी, 1.47 के अंदर रहेगी, या फिर 1.47 रहेगी, या प्लस का या फिर माइनस का 1.47 रहेगी, लेकिन इससे ना तो ऊपर जाएगी और ना ही नीचे जाएगी, ये वाली बात ध्यान रखें, ये करंट की पीक वैल्यू का मतलब है। अब हमसे क्या कह रखा, हमसे आरएमएस वैल्यू पूछी, पीक वैल्यू पूछ ली हमसे, उसने कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी पूछ लिया। अब आगे हमसे एक छोटे सा इसके पूछ के साथ एक छोटी सी चीज़ अटका दी है, वो ये चीज़ है
वो ये चीज़ है, हमसे ये कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्सी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है, आपको पता है जो एक्सी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ से देख सकता कि एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाओगे तो एक्सी जो है वो घटेगा। तो यहाँ पर ये कह रखा था कि इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो एक्सी जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। तो आप ये बात लिख दोगे इफ एफ इज डबल देन एक्सी विल बी हाफ। हो गया आधा। जब ये हो चुका है तो फिर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है वी इज इक्वल टू आई आर से, वी इज इक्वल टू आई आर से, आई जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर वी फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस घटा, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो गया। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधा हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो यहाँ वो लिख देगा सिमिलरली करंट विल जस्ट बिकम डबल्ड। ठीक है, तो ये इसके अंदर पूछा गया था और इसको आपने सॉल्व कर दिया। तो एग्जांपल नंबर 15 को मैं ये मान लूँ कि ये कम्प्लीट हो गया, आप लोगों की समझ में आ गया। अगर किसी को दिक्कत है स्टिल तो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके टैली इंस्टा फेसबुक के लिंक दे रखें, किसी को भी फॉलो कर ले, अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकता है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।